मैं आ गई हूँ गाइस। गोल्ड इधर मारी उसको। गोल्ड। एरो का मतलब क्या हुआ? एरो ऊपर। उन्हें नहीं आया क्या हुआ? हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और ये मैंने लाते ही कर दिया था यहाँ पे सत्याकांड। मैंने फ़ोन नीचे कर लिया जिसकी वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सिर्फ हमारी बातें सुन रही थी और मेरा हाथ दिख रहा था, इसलिए मैंने सब कुछ काट दिया। और यहाँ पे अब तक डिस्कशन ही चल रही थी कि कैसे इसको लेके जाएं कैसे नहीं, क्योंकि इसका साइज़ था काफ़ी बड़ा, ये 85 इंच का था और ये पड़ा था हमें 1 लाख का। हाँ, हम 1 लाख का टीवी लेके आए और वो भी जबकि कोई देखने वाला नहीं है, मतलब सारा दिन सब जॉब पे रहते हैं तो रात को में भी 1 या 2 घंटा मिलता है और सिर्फ उस टाइम के लिए हम टीवी ले आए। तो यहाँ पे हमने ओपनिंग इसकी यहीं पे कर दी थी ट्रक के अंदर। तो पहले हम सोच रहे थे कि इसको बॉक्स के साथ लेके जाते हैं, बट वो स्ट्रेटली आ नहीं रहा था तो हमने सोचा कि बोझ भी ज़्यादा हो रहा था कि इसको काट के लेके जाएंगे। तो अभी ये लोग अनबॉक्सिंग कर रहे हैं इसकी यहीं पे। अब इनके फिर सलाह मशवरे बदल रहे हैं कि ये टीवी का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा स्लीक है तो उसके टूटने का भी डर भी उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे डिस्कशन ऐसे ही चल रही थी और मैं इन लोगों को मोटिवेट करने के लिए बोल रही थी, चल कर तू कमाल गुजरी ये है। और यहाँ पे फाइनली अनबॉक्सिंग होगी इसकी और ये हमारा टीवी था। तो हमने इसके ये जो साइड में कवर के लिए होते हैं ये सब निकाल ले। और अभी तक भी देखो डिस्कशन चल ही रही है, हर कोई एक दूसरे के यहाँ पे लेग पुल कर रहा था और जो बीच में मैं आई थी सिर्फ इसको काटने के लिए वो मेरे शुभ हाथ लगवाए गए थे, उसके अलावा कुछ नहीं। तो यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा शूट किया था, उसके बाद मैं इन लोगों की हेल्प करने लग गई थी ये सब अनकवर वगैरह करने में, ताकि फिर भी मतलब थोड़ा और ज़्यादा सपोर्ट रहे, क्योंकि दरवाज़ा खोलना और बीच में से पकड़ना जैसे इधर ना लगे उधर ना लगे ये सब चीज़ें। तो यहाँ हम ले आए थे इसको अंदर। तो यहाँ पे इसका पहले मैं देखा कि ये कितना बड़ा, तो वह इसके पास पड़ी और ये देखो ये मेरे से भी लंबा टीवी है, मतलब चौड़ाई के अंदर। तो फिर यहाँ पे मैंने भैया से शूट कराया था, फिर मैंने कॉल अपने हाथ में लिया, यू नो कमांड अपने हाथ में ली। और फिर हम सोचने लगे कि टीवी तो स्टैंड जैसे लगेगा, उधर उधर क्या हो रहा है जैसे जैसे तैसे करके। और यहाँ पे फिर मैं हेल्प करने लगी थी इसलिए दिखा नहीं पाई थी कैसे स्टैंड लगे थे। और यहाँ पे 50,000 का फिर से चूना लगाते हुए ये लोग लेके आए न्यूली लॉन्च PS5 और उसके गेम्स एंड कंट्रोलर्स वगैरह, मतलब 2-3 गेम और कंट्रोलर के बाद 50 का पड़ा था। तो ये थे उसके सारे, मतलब ये फुटबॉल गेम चल रही थी तो ये मैंने दिखा दिया कि कैसी क्लैरिटी वगैरह थी, मतलब गेम्स कैसी थी इसकी, बिल्कुल रियल लाइफ फील देते हैं। इसके अंदर कमेंट्री भी हो रही होती है फुटबॉल के अंदर, जो लोग जो भी ये लोग कर रहे होते हैं और जो भी प्लेयर की जो भी स्पेसिफिकेशन है वो इसमें भी होती है।